brought to you by technocam 30 series बदलेड़ों सला जगह जगह मां का जगन टिकट मिलेनी मां की काटी नहीं मिलेनी पक्षपात को हो बी साहब बी साहब जाट पक्षपात में चाल ग शुरुआत यहाँ राहुल कश्मीरी चूरू से चली वो असर पूरा राजस्थान में चूरू चोर वाले चोर वाले एकदम गलत टिकट कटाई मोदी जी ने 400 हुए कोनी मोदी जी को 400 तो चुनाव का ही बात को तो चुनाव की जरूरत हो जाएगा पंद्रह लाख मिल जाएगा ऐसे कर दूंगा भी झूठ झूठा आपका लोग लोकसभा परिणाम में देखो कांग्रेस की सीट आएगी नागौर जिले में जो है कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल को जो कांग्रेस का प्रत्याशी बना के यहाँ पे भेजा था उसी टाइम से हम उनके साथ हैं क्योंकि वो गरीबों की तयी है और गरीबों की कहीं भी लड़ाई होती है तो उसमें पहुंच जाते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने में कुछ ही दिन बच गए हैं केवल एक चरण का मतदान बाकी है उसके बाद में चुनाव परिणाम आ जाएंगे लेकिन राजस्थान में जो माहौल बना हुआ है उसमें खासकर मैं बात करूं तो जाट समाज की भूमिका इस चुनाव में अहम रही है और जिस तरीके से जाटों ने इस बार मतदान किया वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी है हमारे साथ कई ऐसे जाट जनप्रतिनिधि भी कह सकते हैं जाट नेता भी कह सकते हैं ग्रामीण भी कह सकते हैं इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या मुद्दे रहे थे किन मुद्दों पे आपने मतदान किया और क्या लगता है कि क्या परिणाम आ सकता है सबसे पहले आप बताइए कौन सा गांव है क्या नाम आपका निमिजोदा क्या कहना चाहेंगे कि ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ इसमें किस तरीके का माहौल था और क्या परिणाम आ सकता है परिणाम तो बीजेपी के खिलाफ आ सकता है विकास के मुद्दे पर वोट दिए है हम तो केवल विकास का मुद्दा है या चूरू का मुद्दा भी शामिल है चूरू का भी शामिल है तो काटी थी, थी। राहुल की भाई है। शामिल है। आप शामिल क्या कहोगे आपका क्या नाम है? में बीजेपी के खिलाफ लड़ा पूरा क्या कारण था बीजेपी के खिलाफ लड़ा मोदी जी दस साल से राज कर रहे हैं एक तो सबसे बड़े किसानों का यह नुकसान किया अग्निपथ कर दिया अग्निवीर कर दिया और किसान आंदोलन पर बैठे पहले तेरह महीना एम एस पी रेट जो देनी थी वो नहीं दी और अभी भी किसान वहाँ बैठे हुए हैं उनकी कोई सुनाई नहीं है किसान के बेटे की तो कोई सुनाई नहीं है गरीब की कोई सुनाई नहीं है बड़े बड़े जो कंपनी वाले हैं उनकी सुन रही है और इसलिए हम तो सब नाराज़ हैं आपका क्या नाम है बजरंगदास का वो का मुद्दा पर अब का चुनाव हुआ और का माहौल आ था नहीं अब का मुद्दे तो एकदम सिद्ध हुई है भाई कांग्रेस के पक्ष में है चुनाव कारण का ही कांग्रेस के पक्ष में दस वर्ष मोदी जी था गलो

तो प्रणाम जो मिशन चार सौ लेकर चले मोदी जी वो पूरा उसी को मोदी जी और चार सौ हुए को मोदी जी को चार सौ तो तो। दो चुनाव तो चुनाव की जरूरत कटी इकटी निर्विरोधनो अब जी बात नाराजगी की बात नाराजगी मोदी जी हूँ कोरी मोरी झूठ भाईयो ऐसे हो जाएगा पंद्रह लाख मिल जाएगा ऐसे कर दूंगा भी झूठ हूं आपका लोग मेन मुद्दों ये ला ला बार नाम की दिन ना को नहीं झूठ उन्दाई पिया किसान नाम को नुकसान करियो और कोरी मोरी झूठ बोली राजस्थान में क्या हुआ मिशन 25 है पुरो 25 करा 25 के 25 सीटा 25 को ना हो कहीं कारण है 25 सीटा नहीं आना कारण वो ये किसान नाम का तीसी को नहीं और कोरी मोरी झूठ नौकरी में बादा हर चीज में बाधा डालने हुई और नुकसान हुई है चार को तारीख कोई महादेव जी को नहीं कोई रामदेव जी को नहीं एक निकल जी की काम आई अब तीन सौ आई चार सौ आये की मतलब की बात नागौर को रिजल्ट नागौर को रिजल्ट रिजल तो बराबर टक्कर हैनुमान जी की है लेकिन कौन आ सके हां टक्कर आप बताओ आपको काना मेघवाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आप बता दें का माहौल है सबसे पहले तो एस तो हम तो पहले से ही मोदी जी से डरे हुए हैं भाई सबसे पहले आते ही सबसे पहले ब्रह्मास्त्र हमारे ऊपर ही छोड़ा था तो हमारे दिल में तो पूरी नफरत बैठी हुई है दूसरी बात दस साल के अंदर लोग इतने समझने लग गए हैं कि कोई भी सरकार आती है वो देश के प्रति जनता के प्रति कुछ मुद्दे रखती है दस साल में इस सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है झूठे वादे के अलावा आज लड़ रहे हैं किसी के ऊपर लांछण लगा रहे हैं कांग्रेस ने ऐसे कर दिया नेता ने ऐसे कर दिया लेकिन कोई भी नेता मंच के ऊपर ये बोले कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करूँगा ये झूठे जुमले थे इससे थक गए लोग राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं बड़े बड़े वादे कर रहे हैं नहीं वादे उन्होंने क्या किया राहुल गांधी जी तो वो वादे कर रहे हैं जो गरीबों के काम आए बड़े वादे तो उन्होंने नहीं किया ना राहुल गांधी ने ऐसा वादा तो किया ही नहीं कि मैं भाई खेजड़ी के पेड़ पे नीम की निमोड़ी लगा दूंगा मतलब जो वादा नहीं मानने वाला वो तो मोदी कर रहे हैं जनता के सामने मोदी जी ने मैं मन से कई बार कहा है कि मैं कहीं भी आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा और जो एस सी का आरक्षण वो खत्म नहीं होगा फिर भी एस सी नाराज है क्या नहीं एस सी नाराज़ क्या आरक्षण तो धीरे 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 उड़ा दिया लोगों को दिख नहीं रहा आरक्षण तो उड़ा रहे हैं धीरे धीरे अजय एक बैल लगी हुई है वो बैल मुरझारी और उसके बाद भी हम कर रहे हैं तो वो बैल हरी खड़ी है हमको दिखाई दे रहा है धीरे धीरे भाई आपको पूरा पेड़ काटा तो एकदम से दिख जाता है उसके एक एक डाली काट रहे हैं सूखेगा तब तो पता लगेगा पेड़ कैसे कटा लोग लग रहा है कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल एस का भी बड़ा हिस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास साथ जा रहा है सिर्फ मेघवाल समाज है वो कांग्रेस के साथ ज्यादा है नहीं ऐसा तो जब जिसकी जो मानसिकता है ना जो मैं मेरे ऊपर बोलता हूँ भाई इन्होंने पहले दिन बोलता है कि 400 पार करते हम कानून बदली कर देंगे तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे दस साल में क्या समस्या आ गई ये कानून तो राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है संविधान की मोहर तो बाबा साहब ने 1950 में लगाई थी उससे पहले भी तो कानून था देश के अंदर जब तानाशाही कानून था और सबसे ज़्यादा शोषण तिरस्कार और मार कहीं भी समझ लो तो आर्थिक मार समझ लो मानसिक मार समझ लो शारीरिक समझ लो वो हमारे ऊपर पड़ी है हम हमारा हक़ समझ रहे हैं अब लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो उनकी जाने जब उनको कानून बदली करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अब एकदम इनको अचानक के कानून बदले करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी भाई उस कानून से देश संतुष्ट है पूरा हम संतुष्ट हैं अकेली भारतीय जनता पार्टी इस कानून से संतुष्ट क्यों नहीं आपका कहने का मतलब है कि एस सी में कानून बदलने को लेकर नाराजगी है और इसको लेकर ही आपने हमें ये पूरा पूरा डर है कि भाई एक कानून के सहारे हम जिंदा फिर रहे हैं मैं 64 फोर ईयर का हो गया हूँ साठ साल की मेरी आदाश्त है कि साठ साल पहले हमारे साथ क्या होता था और वही कानून अभी वापिस वो लाना चाहते हैं तो हो सकता है इससे भी बदतर हाल हो जाएगी हमारे तो हमारे पास है क्या हमारे पास एक नौकरी का ही तो सारा था हमारे पास कोई धंधा नहीं है ज़मीन ज़्यादा नहीं है पढ़ लिखे हम नौकरी करना चाहते थे तो नौकरियों का वजूद ख़त्म कर दिया जब नौकरी नहीं है तो हम क्या करेंगे चलो आप बताइए आपका क्या नाम है कौन से गांव से हो क्या मानते हो आप मेरा नाम मनफूल है सुधरा सिंह गाँव से हूँ और जिस तरीके का माहौल लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या मानते हैं कि किस तरीके का परिणाम आ सकता है लोकसभा परिणाम में देखो कांग्रेस की सीट आएगी नागौर ज़िले में जो है कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल को जो कांग्रेस का प्रत्याशी बना के यहाँ पे भेजा था उसी टाइम से हम उनके साथ हैं क्योंकि वो गरीबों की हितसी है और गरीबों की कहीं भी लड़ाई होती है तो उसमें पहुँच जाते हैं तो इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं तो ये थे गाँव से आए हुए जाट समाज के लोग और उनमें एक मेघवाल समाज के व्यक्ति भी हैं जिनका ये कहना है कि हमें आरक्षण ख़त्म करने का डर है इसीलिए हमने भाजपा के खिलाफ वोट किया है और ज़्यादातर चौधरी ये कहते हैं कि चूरू में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कस्बा की टिकट काटी उसके बाद में समाज में नाराजगी थी रोष था और उसके परिणाम से उन्होंने कांग्रेस और उसके गठबंधन को वोट दिया है अब देखते हैं चार जून को क्या परिणाम आता है और राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है और देश में किसकी सरकार बनती है सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान नागौर